हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट स्टोरी का समरी। ये समरी क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इस समरी से बहुत सारे वोकैब सीख पाएंगे। तो इसलिए ये समरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। सो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। हॉरिस डैनबे, a seemingly respectable locksmith in his 50s, has a secret life as a thief. तो यहाँ पर हॉरिस डैनबी एक मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक रेस्पेक्टेबल लॉकस्मिथ, लॉकस्मिथ मतलब जो ताला और चाबी बनाने वाला, इन हिज 50s, और वो लगभग 50 साल की है, ठीक है, 50 साल की उम्र में है। हैज अ सीक्रेट लाइफ एज अ थीफ, लेकिन असली जिंदगी में वो एक चोर होता है। फॉर 15 ईयर्स ही हैज़ बीन एग्जीक्यूटिंग एन एनुअल रॉबरी टू फंड हिज पैशन फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। 15 साल से वो चोरी करता आ रहा था, एनुअली वो चोरी करते आ रहा था। वो चोरी किस लिए करता था? उसकी अपनी पैशन को फुलफिल करने के लिए। उसका पैशन था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ना, पैशन को पूरा करने के लिए वो चोरी करते थे। हिज लेटेस्ट टारगेट इज सुटोबर्ग ब्रांच, अ वेल्दी फैमिलीज ईस्टेट, वेयर ही प्लान्स टू स्टील 15,000 यूरोस वर्थ ऑफ ज्वेल्स। अब उसका एक लेटेस्ट टारगेट सुटोबर ग्रांच धनी परिवार की एक संपत्ति में अटैक करना, इट मीन स्टील करने के लिए, चुराने के लिए वो प्लान बनाते हैं। वो वहाँ पे जो ज्वेलरीज है वो वर्थ 15,000 यूरोस का होता है। हाउएवर हिज केयरफुली लेड प्लान आर फॉइल्ड when he encounters a charming and clever young lady who catches him in the act. हालांकि वो इस प्लान को केयरफुल तरीके से, सावधानी से उसके प्लान जो है नाकाम कर देते हैं जब चार्मिंग, ब्यूटीफुल और क्लेवर एक यंग लेडी के साथ भेंट होता है उसका, के आमने सामने, एनकाउंटर्स मीन्स जब फेस करना होता है, ठीक है, जब एक दूसरे को फेस करते हैं, मीन्स ये लोगों का यहाँ पे आमने सामने क्या होता है, एनकाउंटर होता है। ये प्लान बनाकर वो ये काम कर रहे थे, तो उस समय एक वो यंग लेडी उसे पकड़ लेते हैं इस एक्ट में, ठीक है, जो उसके प्लान में वो काम कर रहे थे उस एक्ट में वो यंग लेडी उसे पकड़ लेते हैं। डिस्पाइट हिज इनिशियल इंटेंशन टू हार्म हर, हॉरिस फाइंड्स हिमसेल्फ ड्रॉन टू हर काइंडनेस एंड चार्म। पहली शुरुआती तौर पे तो उसका एक से नुकसान पहुंचाने की एक इंटेंशन था, ठीक है, लेकिन हॉरिस ने खुद को पाता है कि वो उसकी काइंडनेस और उसकी ब्यूटी को देखकर वो अपने आप को उसकी ओर खींचा चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। शी प्रपोजेस अ डील, शी विल लेट हिम गो इफ शी ओपन्स द सेफ फॉर हर एज शी हैज फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन। अब वो साथी लड़की, वो क्लेवर लड़की उसको चुराते हुए पकड़ लेते हैं, तो उस अब कहता है कि वो लड़की उसे एक प्रस्ताव देता है कि वो लड़की हॉरिस को जाने देगी अगर वो उसकी सेफ को खोल लेते हैं, क्योंकि उसने जो वॉल्ट में जो एक कॉम्बिनेशन होता है, इट मींस जो पासपोर्ट, वो भूल गई है। अगर हॉरिस उस ताला को खोल देते हैं तो वो कहती है हॉरिस को जाने देगी। हॉरिस एग्रीज एंड दे फॉर्म एन अनलाइकली बॉन्ड। अब हॉरिस ने यहाँ पर इस बात को मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड मीन्स एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बट अनबिनोन्स टू हिम शी इज प्लेइंग अ ट्रिक। लेकिन वो लड़की हॉरिस के लिए अनजान है, यहाँ पर वो लड़की हॉरिस के साथ एक ट्रिक प्ले कर रही है, ठीक है, उसके साथ खेल रही है उस फंसाने के लिए, ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पर ये लड़की लगा रही है। शी बिट्रेस हिज ट्रस्ट एंड ही इज अरेस्टेड फॉर द रॉबरी, ठीक है। अब यहाँ पर उस लड़की ने अपना ही ताला को खोलने लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसकी ट्रस्ट को, हॉरिस के ट्रस्ट को तोड़ देते हैं और उसे चुराने के जुर्म में उसको पकड़ा लेती है। द स्टोरी टेक्स अ सरप्राइजिंग टर्न व्हेन द यंग लेडीज ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड एंड हॉरिस रियलाइजेस ही वॉज आउटस्मार्टेड बाय अ फेलो थीव। यहाँ पर स्टोरी जो है एक टर्न लेता है, ट्विस्ट लेता है, जब यंग लड़की अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है, वो भी एक फेलो थीफ होता है, ठीक है। हॉरिस जब उस लड़की की आइडेंटिटी को पहचान लेती है, तब उसे रियलाइज होता है ही वॉज आउटस्मार्टेड बाय अ फेलो थीफ, अपने ही उसके ऊपर ट्रिक्ड किया गया है, उसे फंसाया गया है एक फेलो थीफ के द्वारा। इस चीज को वो रियलाइज करते हैं जब उस लेडी का, यंग लेडी का आइडेंटिटी हॉरिस को पता चलता है। The narrative raises question about trust, loyalty and the honor among thieves, leaving the reader pondering the complexities of human relationship and the blurred lines between right and wrong. ठीक है, अब ये कथन जो है narrative reader के लिए एक question arise करता है, क्या trust, loyalty and honor thieves के बीच, चोरों के बीच होना चाहिए, ठीक है, और लीविंग द रीडर पॉन्डरिंग, और रीडर को हमें सोचने के लिए छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, ठीक है, इंसान की जो रिलेशनशिप में एक कॉम्प्लेक्सिटीज है, और
एक ब्लर्ड लाइन है। ब्लर्ड लाइन मीन्स एक धीमी सी जो पतली सी लाइन जो है राइट एंड रॉन्ग के बीच में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को समझ में आया होगा स्टोरी, आशा करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।